गुजरात में मुस्लिम युवकों को खंबे से बांधकर पीटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा एक्शन लिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 5 लोगों की सार्वजनिक तौर पर पिटाई किए जाने से संबंधित एक मामले पर सुनवाई चल रही थी। मुस्लिम युवकों की पिटाई की घटना साल 2022 की है। सुनवाई के दौरान नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्हें लोगों को पोल से बांधकर पीटने की अथॉरिटी कहां से मिल गई। अदालत ने पुलिसकर्मियों के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि लोगों को खंबे से बांधकर पीटने का अधिकार आपको किसने दिया। अगर हाईकोर्ट ने 14 दिन की सजा सुनाई है तो अब आप कस्टडी का आनंद लें। अब आप कोर्ट से कैसे राहत की उम्मीद कर रहे हैं। अदालत में जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की बेंच इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल 4 पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर एवी परमार, सब इंस्पेक्टर डीवी कुमावत, हेड कांस्टेबल केएल डाबी और कांस्टेबल आरआर डाबी ने 19 अक्टूबर 2023 को गुजरात हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में दिए गए फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इन पुलिसकर्मियों को 14 दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा, क्या आपके पास लोगों को पोल से बांधकर उनकी पिटाई करने की अथॉरिटी है? जाओ और जेल के मजे लो। ये सब किस तरह के अत्याचार है? लोगों को पोल से बांधकर सार्वजनिक तौर पर उन्हें पीटना और वीडियो भी लेना, और आप चाहते हैं कि कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे। अदालत में पुलिसकर्मियों की तरफ से मौजूद वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा, पुलिसकर्मियों पर जानबूझकर आदेश के पालन न करने का कोई अपराध नहीं बनता है। इसके लिए दवे ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 1996 में डीके बसु केस में दिए गए फैसले की भी दलील दी। जस्टिस गवई ने कहा कि चूंकि ये एक अपील है, इसलिए अदालत को इस मामले में सुनवाई करनी होगी। दवे ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई 14 दिन की जेल की सजा पर स्टे लगाने की मांग की थी। इस पर जस्टिस गवई ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा, जाओ और जेल के मजे लो, आप अपने ही अफसरों के मेहमान होंगे, वो आपकी विशेष खातिरदारी करेंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा था। गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले साल इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पुलिस वालों को 14 दिन की जेल की सजा सुनाई थी और सभी आरोपी पुलिस वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। जुर्माना ना भरने पर 6 महीने तक की सजा की बात कही गई थी। हालांकि फैसला आने के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों के वकील ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अपील दायर कर इस पर 3 महीने तक के लिए रोक लगवा दी थी। क्या था पूरा मामला। अक्टूबर 2022 में नवरात्रि के दौरान गुजरात के खेड़ा जिले के उंधेला गांव में एक गरबा डांस प्रोग्राम पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर पथराव करने का आरोप लगा था। पथराव के दौरान कुछ लोगों को चोटें आई थी। पुलिस ने इसके बाद पथराव के आरोप में 13 लोगों को गिरफ्तार किया था और इनमें से 3 की कथित तौर पर खंबे से बांधकर पिटाई की थी। मामले से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद आरोपी पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और 13 पुलिस वालों पर पिटाई का आरोप लगाया था। अदालत ने इनमें से 4 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया था जबकि 9 को बरी कर दिया था।